हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही बेहतर और अच्छी सॉल्यूशन दिखाऊंगा। जैसे कि मेरे पास कमेंट आया था कि उन्होंने मुझे बताया कि एक M11 उसके पास हैंडसेट है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चाहिए। तो ये जो M11 का हैंडसेट है, इसका ऑडियो रिसीवर का इशू अगर आपके पास आया है तो मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा। रिसीवर, ये जो स्पीकर है, स्पीकर को लेकर पावर आईसी तक कहाँ से कहाँ तक इसका क्वांटिटी आ रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो आपको अच्छी से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर आप मेरा चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सीधे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप दो चीज़ से इसका काम कर सकते हैं। एक तो मल्टीमीटर है, जिसको आप बजर पॉइंट पर रखकर काम कर सकते हैं, जिसका बीप साउंड आता है। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो लाइट टेस्टर देख रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि चेक करने के लिए कहाँ से कहाँ वोल्टेज जम्पर आ रहा है, कि एक वायर आपने डिटेक्ट कर दिया तो वायर के दोनों तरफ आप चेक कर सकते हैं। ये जो लेग से, लेग के ऊपर से आपको ये जो दो कंपोनेंट देख रहा है, देखिए ये जो दो कंपोनेंट देख रहे हैं, इसके ऊपर सीधे आएगा लाइन। उसके बाद पहले हम तो इसके ऊपर चेक कर लेंगे, लाइन आ रहा है। उसके बाद आपका ये जो PCB है, भाया होकर जाएगा आपका मेन बोर्ड पर। तो चलिए हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आएगा ये जो केबल है। तो जैसे कि आपका जो बोर्ड का सब बोर्ड का पॉइंट है, ये दोनों पर आएगा, इसके ऊपर और इस ऊपर नीचे करके आएगा, इस तरफ ऊपर नीचे करके। ये जो लाइन ये देख रहे हैं, ये लाइन गया है ऊपर नीचे। तो हम इसके बाद हम चेक करेंगे मेन बोर्ड पर। बोर्ड पर आपको ये जो डिस्प्ले के अंदर से जो PCB केबल आया है, उसके ऊपर चेक करना है आपको। इस तरफ ये जो ऊपर नीचे देख रहे हैं, तीनों एक साथ ज्वाइन हुआ है, तो ऊपर नीचे आपका सीधे लाइन आएगा, वो हम चेक कर लेते हैं थोड़ा। देखिए लाइन, लाइट आ रहा है। और ये वाला इस तरफ आएगा। उसके बाद ये अगर वायर ख़राब है तो आपको जम्पर करना है। आपने देख लिया कि ये जो दोनों है आपका ऊपर नीचे आएगा। ऊपर वाला जो है वो आपका आएगा, ये जो नेगेटिव वाला है इसको ऊपर आएगा, और जो पॉजिटिव वाला है ये इसका बाहर की तरफ आएगा। ये वाला इतना सब कुछ लाइन है, उसके बाद भी नहीं आ रहा है। अगर आपका ये कनेक्टर ख़राब है तो उसके बाद आपका जाएगा ये जो ऊपर नीचे देख रहे हैं, ऊपर नीचे इसके ऊपर दोनों इस तरफ से जाएगा, वो भी हम चेक कर लेते हैं थोड़ा। जैसे देखना है, अब ठीक है। ये वाला आपका आएगा नेगेटिव, नेगेटिव वाला आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव वाला आएगा इसके ऊपर। अगर इतना सब कुछ सही है, उसके बाद सीधे आपका जाएगा ये जो मेन पावर आईसी है, पावर आईसी के पास। लेकिन पावर आईसी को भी हीट नहीं करना है। उसके बाद भी आपका दो लाइन है चेक करने के लिए। ये जो दो कंपोनेंट देख रहे हैं, ये रजिस्टर नहीं है, लेकिन आपको ये जो दोनों तरफ देख रहे हैं, आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इस दोनों के
वायर से जम्पर कर दीजिए तो भी आपका स्पीकर काम करेगा। अगर अपने शील्ड निकलते वक्त टूट जाए कंपोनेंट कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी के नीचे देखिए दो कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा छोटा, इसके दोनों के तरफ वायर से जम्पर कर दीजिए, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं अभी इधर इसके ऊपर से इधर चेक करके दिखा रहा हूँ, लाइट टेस्टर से ज़्यादा मेरा लाइट ज़्यादा होने के कारण आप शायद लाइट नहीं देख पा रहे, तो मैं मल्टीमीटर के बार्जर पॉइंट से चेक कर रहा हूँ। हमने रख दिया नेगेटिव के ऊपर, आपका नेगेटिव वाला आएगा सीधे डायने की तरफ। थोड़ा जूम कर लेते हैं, और जो पॉजिटिव वाला है वो आपका आएगा इसके ऊपर। तो जैसे कि हमने दिखाया, आप अच्छी से ध्यान से और एक बार देख लीजिए, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव वाला आएगा सीधे आपका इसके ऊपर, और जो पॉजिटिव वाला है वो पॉजिटिव वाला आएगा सीधे इसके ऊपर। अगर कोई भी इसके अंदर खराब हो गया है, लाइन ब्रेक हो गया है, तो सीधे इसके ऊपर से जम्पर लेकर इधर जम्पर कर वायर लगा दीजिए, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो आपको ये पावर आईसी चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड ये था स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन M11 का जो स्पीकर है उसका लिए। अगर ऐसे कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा हैंडसेट का सॉल्यूशन चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, जल्द से जल्द उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आपके पास लेके आऊँगा, अपलोड कर दूँगा वीडियो। इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।